हेलो फ्रेंड, एंजॉय इंडिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है। यह वीडियो है आमेर किला का सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और यहीं जो शीश महल है इसके पास से यह शुरू होता है। यह शीश महल है, पिछले वीडियो में हमने इसको अच्छे से देखा था। और इसके आगे आप जो ये देख रहे हैं छोटा सा, हाँ, इसके अंदर राजा असरफिया भरा करते थे और अपने प्रजा के बीच में उसे बंटवा दिया करते। देख के आश्चर्य लग रहा होगा इतनी असरफिया। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये। खास करके यह राजा का जो जन्मदिन होता था या कुछ इस तरह के त्योहार आते थे उस समय यह काम राजा करते थे। ये गणेशपुर, ये इस महल का मेन एंट्रेंस है। ये कितना खूबसूरत और सजा हुआ है, आप ये देखिए कितना अच्छा प्रिंटिंग, पच्चीकारी जो भी कह ले आप, कितनी खूबसूरती से नक्काशी की हुई है इसमें। ये मेन एंट्रेंस है। अच्छा, इसके अंदर एक छोटा सा भूल भुलैया भी है। वो भूल भुलैया इसीलिए है कि जो राजा मानसिंह थे राजा मानसिंह ने इस भूल भुलैया को बनाया था। उनकी बहुत सारी रानियां थी, तो जब वो कभी किसी युद्ध पे या कभी बाहर जाते थे तो जब भी वापस लौट के आते थे तो पहले किस रानी के पास जाएं यह डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए इसी भूल भुलैया का यूज़ करते थे वो। इस भूल भुलैया में जो रानी उनको पहले ढूंढ लेती थी उसी रानी के पास वो पहले जाते थे। और ये सही में भूल भुलैया है। आप जब इसके अंदर जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ निकल रहे हैं। मैं भी 2-4 बार इसके अंदर भटक चुका हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा था, मुझे जहाँ जाना था वहाँ नहीं पहुँच पा रहा, कहीं और निकल जा रहा। फिर ऊपर तो देखता था तो वो जगह कहीं और था, फिर जाता तो फिर कहीं और निकल जाता था। तो ये छोटा मोटा भूल भुलैया ही है। और इस तरह से अंदर में बनाया हुआ है कि सारा रूम और हर जगह जो है एक तरह का लगता है। फोटो के द्वारा इसी तरह के पैसेज अच्छा, ये जो जगह है यह किचन है। किचन कम खाने का जगह, ये भोजनशाला। यहाँ राजा अपने परिवार वालों के साथ बैठ के खाना खाया करते। कुछ जगहों को तो बंद कर दिया गया है, अब वहां नहीं जाया जाता। समय कुछ पेंटिंग का काम चल रहा है। हम लोग आ गए ऊपर। ऊपर से देखिए क्या कमाल का नज़ारा है। और आपको एक और बात बताता हूँ, यह जो टीला, यह जो पहाड़ी है, पहाड़ की चोटी पे ही नाहरगढ़,
आमेर और जयगढ़ बसा हुआ है। आमेर और जयगढ़ के बीच में 1-2 किलोमीटर की सुरंग है, जिसका यूज पहले राजा महाराजा किया करते थे अपने परिवार वालों को सुरक्षित निकालने के लिए। खासकर के जो जयगढ़ किला है, यह मेन वहाँ पे हथियार रहता था, तोप है। जयगढ़ में सबसे बड़ा तोप है, इसका वीडियो मैंने इस पर डाल दिया है अपने चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तोप है जो चक्को पर। तो जयगढ़ और आमेर के बीच में 2 किलोमीटर का एक रास्ता है, जिसका यूज उस समय किया करते थे लोग। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। यहाँ से आप जब नीचे देखेंगे, और नीचे में मान लो आप कोई जगह सेलेक्ट कर ली तो वहाँ मुझे पहुँचना है, तो मुश्किल है कि यहाँ से आप वहीं पहुँच पाओ। यही है इस भूलभुलैया। खिड़की से देखिए पहाड़ का क्या कमाल का अरावली का नजारा। यह देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि वहाँ कितनी गर्मी पड़ती होगी, पर इस महल को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इस महल के अंदर आपको थोड़ी सी भी गर्मी महसूस नहीं होगी। यहाँ इतने रास्ते हैं, इतनी गलियाँ हैं कि पता ही नहीं चलता किस में घुसो, जाता किसी में था निकलता कहीं और था। पहले नीचे चलते हैं। छोटे छोटे रास्ते देख के समझ में आपको आ रहा होगा कि कुछ, और ऐसा नहीं कि वीडियो देख के आपको लग रहा हो कंफ्यूज हो रहा है, वहां जाने के बाद भी यही हाल होता है। बिल्कुल खड़ी सीढ़ी है। देखो ये पॉटी का जगह है, और यहाँ पे खाना भी बनता था, बगल में किचन भी होता था, यहाँ भी खाना बनाने का काम किया जाता था। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस और भी आगे आएंगे। और आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आमेर के किला पे एक पार्ट और है, वो बहुत ही अच्छा है, उसमें और भी नए नए जगहों को देखेंगे। इसमें तो मेन हम लोग महल के अंदर